नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसानों ने किया रोष प्रदर्शन, जिले भर के दर्जनों गांव से किसान पहुंचे लघु सचिवालय। लघु सचिवालय के समक्ष की नारेबाजी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सरसों की फसल का बकाया भुगतान और सरसों की खरीद पूरा शुरू होने की मांगों को लेकर के किया प्रदर्शन। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जाने की विशेष रिपोर्ट। सरसों खरीद के बाद भुगतान नहीं हो रही और उसमें गुस्साए किसानों ने आज सिरसा लघु सचिवालय जाकर के रोष प्रदर्शन किया। सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि सरसों की खरीद के बाद उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला, जिसको लेकर के अधिकारियों ने से भी मिले हैं। पिछले सप्ताह इसी मांग को लेकर के किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था और प्रशासन की ओर से 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक इसका भुगतान नहीं मिला है। किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द खरीद शुरू की जाए और सरसों का भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने कहा कि इस समय बीज, खाद और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसे की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से सरसों की खरीद और उसकी फसल को एक एक दाने को खरीदने के लिए कहा था, लेकिन वे मांगें भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। किसानों ने कहा कि कई बार अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और ना ही कोई संतोषपूर्ण जवाब दिया। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। आगे की हमारी रणनीति ये है कि जब तक किसान की खरीद दोबारा से सरसों की खरीद चालू नहीं कर दी जाती और तब तक पैसा एक एक पैसा किसान के खाते में नहीं डाल दिया जाए, तब तक इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। और इसी प्रकार से हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमने अपनी सरसों बेची है। सरसों बेच करके आज 1.5 महीने से ना लेने वाली फर्म का पता है, सरकार का पता ही नहीं है कहीं है। ये कह रहे थे हम चुनाव के बाद जो है दोबारा से सरसों की खरीद शुरू करेंगे। आज इलेक्शन हो गया, 27 तारीख होगी, दोबारा से सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई। और पिछली सरसों जो खरीदी थी उसका 1.5 महीने से आज किसान अपने पेमेंट को अटक रहा है। आज जब तक किसान की एक एक पैसा ये खाते में नहीं डाल देंगे, हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या जी, हमारी सबसे बड़ी सरसों की है, सरसों के लिए हम कम से कम 5-6 बार नाथूसरी चोपटा के ताला जड़ चुके हैं तहसील के, उसके बाद DFSC साहब से मिल चुके हैं। आज हम इस तहसील के नई लघु सचिवालय के ताला जड़ने के लिए सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं DC साहब या तो छुट्टी पे होते हैं, आज SDM साहब छुट्टी पे हैं, DC साहब छुट्टी पे हैं। हमने 21 तारीख को सरसों बेची थी, उसकी आज तक पेमेंट नहीं आई है और सरकार ने वादा किया था कि दोबारा से हम सरसों खरीदेंगे और वो सरसों हमारी अभी तक खरीदी नहीं गई है और ना उस पर कोई विचार है। सिरसा के प्रशासन कहीं पर भी किसी तरीके से किसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी अपनी सोच को जग जाहिर कर रही है, क्योंकि तहसीलदार लिख के दे रहा है कि हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, DC साहब मिल नहीं रहे हैं, अब इसके ताड़े लगाने के लिए हम आए हैं। तो ये पुलिस प्रशासन जो हमारे भाई हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, उनको लट दे के हमारे मारने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ लड़ना नहीं चाहते। हम पूरे प्यार प्रेम से, हमने जो हमारा सरसों का दाना दिया था, हमने जो मेहनत करके हमारी फसल सरकार को दी थी, उस सरकार से हमारा पैसा लेने की लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। किसान ने मजदूरी करके, मेहनत करके और जो फसल उगाई थी वो फसल सरकार को दे दी, उसका पैसा आज तक अभी सरकार ने दिया नहीं है। अब इसमें अगर हमारी गलती है तो हम उसकी गलती मानते हैं, अगर हमारी मांग जायज है तो सरकार को हमारी मांग को मानकर हमारी पेमेंट हमारे खाते में डालनी चाहिए और जो हमारे घर सरसों पड़ी है उसको खरीदना चाहिए। उसके बाद जब हमारी पिछली बार DFSC साहब से बात हुई थी, DFSC साहब ने हमारे को 3 दिन की मोहलत दी थी, आज उस बात को भी 8 दिन हो गए। उस दिन भी आप पत्रकार भाई यहाँ पे थे, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग आप ऊपर तक मोदी सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि हरियाणा सरकार हमारी सुन नहीं रही है।